वेलकम सो माई फ्रेंड्स एंड माई डियर स्टूडेंट। आज हम फिर लेकर एप्लीकेशन लेकर आए हैं, एक एप्लीकेशन जो कि आपका दे चुके हैं छुट्टी पर इसके पहले जस्ट, और आज फिर लेकर आए हैं हम प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देना है, यानी आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, TC जिसको बोलते हैं। यानी आप कहीं पर भी आपका ट्रांसफ़र हो रहा है आपके पूरे फैमिली का, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि दूसरे कॉलेज में दूसरे स्कूल में आपको लिखाना है नाम, यानी एडमिशन कराना है, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है तब, या फिर आपके परीक्षा में आता है आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट या आपको पत्र होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट लिए 4 अंकों का आता है, हाई स्कूल था और 9th और 10th दोनों में आता है। तो आपको यह TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए जो एप्लीकेशन लिखना है कैसे लिखना है यहाँ पर हम बताएंगे एकदम लाइव आपके सामने। और जो आपका छुट्टी के लिए बीमारी का जो पत्र था उसको हम पिछली वीडियो में बनाए उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर हम दिखा देंगे, उसको आप जाके देख लीजिएगा। बाकी और सारी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हिंदी की और विज्ञान की, जो विज्ञान में आपका सवाल आता है उसके भी सवाल, हम पेपर में कौन कौन सा सवाल आया था पिछली बार, आपको जो आपका दर्पण से या आपका जितने भी पार्ट्स में से आता है आपका विद्युत पार्ट से आपका न्यूमेरिकल, उसको हमने हल करा चुका हूँ और धीरे धीरे हल कराता रहता हूँ, हर दिन यहाँ पर हल कराते हैं। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके, बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि वीडियो आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करने में तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना और कमेंट जरूर करना। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे एप्लीकेशन लिखना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए अपने प्रिंसिपल को, तो यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें सबसे पहले लिखना होता है आपका 2, ठीक है, कैसे कैसे किस जगह पर लिखना हो ये भी ध्यान में देना है, 2 लिखेंगे। उसके बाद आपका प्रिंसिपल का नाम लिखना है, कैसे, द प्रिंसिपल, ठीक, टू द प्रिंसिपल, ठीक। अब कौन से प्रिंसिपल कहाँ के हैं उसको लिख दीजिए, राम प्रताप इंटर कॉलेज। यहाँ पर कॉलेज लिखने के बाद आप अपना जो एरिया है उसको यहाँ नीचे दे सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका इटावा, रुक जाइए कुछ लिख देते हैं, प्रेमनगर इटावा, ठीक। इस तरीके से अपने कॉलेज का नाम दे सकते हैं जो भी हो, और इसको आपको लाइनिंग को ध्यान देना है विशेष तरीके से, इसको ऐसे ही लिखना है। एक होता है कि आपको एक 2 आगे लिखा जाता है यहाँ पर इस तरीके से, और इसको यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है, तो आप इसको विशेष ध्यान देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए एकदम अच्छा लगे, जिससे कि अब ठीक है। उसके बाद आपको अब क्या लिखना है, आपको तारीख यहाँ पर दें या नीचे दें, तारीख यहाँ पर भी दे सकते हैं और नीचे भी दे सकते हैं तारीख को, ठीक है। और उसके बाद हमें लिखना है अपना सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है क्या हमें सब्जेक्ट देना है, तो सब्जेक्ट अपना लिख सकते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट किस पर है उसको लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन लिखें या ना लिखें, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एप्लीकेशन टू, क्या, इशू कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये एक लाइन में लिखना है आपको, एक लाइन में लिखना है, ठीक। अब उसके बाद आपको लिखना है सर, ठीक, सर इसके सीध में लिखना है। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट जो करना है रिस्पेक्टफुली, आप यहाँ से इसके सीध पर स्टार्ट करिए, रिस्पेक्टफुली, ठीक, क्या रिस्पेक्टफुली, आप पूरा आपको लिखना है आई बैक टू से दैट, मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये कहता हूँ कि माई फादर, मतलब मेरे पिताजी या मेरी फैमिली का, हैज बीन ट्रांसफर्ड, हैज बीन ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड कहाँ हो गया, ट्रांसफर्ड उसको लिखते हैं, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, ट्रांसफर्ड,
ट्रांसफर रेट जहाँ एरिया कुछ दे सकते हैं, ट्रांसफर रेट टू रामबाग, अपने एरिया का नाम दे सकते हैं कि मुझे मेरा ट्रांसफ़र हो गया है मेरे पिता का यहाँ पर, ठीक, एरिया का नाम दे दिए तो अब वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे तो हम उस कॉलेज को, वहाँ पर कॉलेज का नाम लिखेंगे, तो आई हैव, मैं वहाँ के कॉलेज को ज्वाइन करना चाहता हूँ, आई हैव टू ज्वाइन। आप वहाँ के कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, सुखलाल इंटर कॉलेज, देवपुर रामबाग, ठीक। ये अपने वहाँ के कॉलेज का नाम दे सकते हैं, और कॉलेज का नाम देने के बाद वहाँ पर जाएंगे तुम तो इस तरीके से फॉर दैट, यहाँ पूर्ण विराम रखने के बाद आप लिख देना पूर्ण विराम फॉर दैट, मतलब इस प्रकार से के लिए, फॉर उसके लिए, मतलब फॉर दैट उसके लिए आई नीड यू, आई नीड यू टू इशू, मतलब आपकी ज़रूरत है टू इशू, इशू करने के लिए मतलब जारी करने के लिए, आदेश देने के लिए क्या, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड टीसी और सीसी दोनों लेना होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये आपको दोनों चीज़ वहाँ पर लगेगा, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगली लाइन से लिख सकते हैं, दूसरी लाइन से फिर से मतलब मैं आपका आभारी रहूँगा, मुझे आपसे यही आशा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे सकते हैं, तो आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडिएंट एंड रिस्पेक्टफुल। पहले दिखा दीजिए कि मैं आपका बहुत आज्ञाकारी शिष्य रहा हूँ, आपको बहुत मान बात मानी, ये सारी चीज़ें अपना जो भी चीज़ हो उसको दे सकते हैं, तो आई हैव ऑलवेज बीन ओबीडिएंट एंड रिस्पेक्टफुल, ओबीडिएंट एंड रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट, ओबीडिएंट एंड रिस्पेक्टफुल टू माई, मतलब मेरा जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बना है उसे संतोष उत्तम, मतलब अपनी उसको अच्छी दिखा दिए, मेरा कैरेक्टर उत्तम है, ये सारी चीज़ दिखा दी कि मैं आपका सम्मानजनक और अच्छा छात्र रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ें बता देना है उसमें क्या क्या चीज़ें लिखना है, ठीक है। स्पेल टू माई टीचर, ठीक, आई हैव, मतलब हमेशा आपको मैंने एक सम्मानजनक और अध्यापक मेरे रहे हैं, माने हैं, तो ये सारी चीज़ उसको दिखा देना है। एंड आई एम मॉनिटर ऑफ माई क्लास, एंड लिख सकते हैं, एंड आई एम मॉनिटर हो, मॉनिटर लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, कोई ज़रूरत नहीं, मॉनिटर ऑफ माई क्लास इसको लिख सकते हैं, अगर लिखना है मॉनिटर ऑफ माई क्लास, बाकी इसको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको लिखें, इसको कोई ज़रूरत नहीं लिखें, ठीक। तो यहाँ पर इतना लिखने के बाद आप फिर से लिख दीजिएगा, सो आई
इसको आप नई लाइन से भी लिख सकते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू, सो आई रिक्वेस्ट यू, सो आई रिक्वेस्ट यू टू इशू माई ए कैरेक्टर कैरेक्टर, पूरा हम नहीं लिखेंगे, टी सी लिख देते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड सी सी एंड टी सी, सी सी और टी सी दोनों लिख देते हैं इसलिए, ठीक, सी एंड सी सी एट एन अर्ली डेट, एट एन अर्ली डेट मतलब जल्द से जल्द, मतलब समय से पहले पहले मेरा टी सी और सी सी दिलवा दीजिए, ये सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ नई लाइन से लिख लीजिए, आई सेल बी, जो लास्ट में लिखा जाता है इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा, आई सेल बी ओब्लिक ओब्लिक्ड टू यू, ये उसके बाद अपना यहाँ पर दे देना है योर ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली क्या, ओबीडियंटली आपका एक्स वाई जेड जो भी हो, अपना यहाँ पर क्लास वगैरह सारी चीज़ें दे सकते हैं कि मैं इस क्लास का हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें दे सकते हैं, ठीक। मतलब मेरा नाम ये और क्लास अपना एक्स वाई जेड दे सकते हैं, और डेट यहाँ पर दे सकते हैं 12th 2020, इस तरीके से यहाँ पर दे सकते हैं डेट या यहाँ पर डेट दे सकते हैं। तो अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पर ध्यान देना है, ये एप्लीकेशन आपका इंपॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन छुट्टी के लिए जो था बीमारी का, उसको लिखवा चुके हैं, उसको ही याद कर लीजिए जाके, छोटा एप्लीकेशन इसको भी लिखे हैं, छोटा एप्लीकेशन उसको भी, बस इतना ही याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद जो और एप्लीकेशन आते हैं उसको हम लेकर आएंगे, बाकी लेटर फिर जो आते हैं लेटर भी लेकर आएंगे, ठीक है। ऐसे आपका वैसे सिंपल ही आता है, ऐसे भी बता देंगे कैसे कितना लिखना है वो भी, बाकी आपका जो गद्य पद में जीवन परिचय कितना लिखना है उसकी भी वीडियो हम डाल चुके हैं, जीवन परिचय आपको कितना लिखना है, अधिक नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही लिखना है, क्योंकि उतना ही लिखेंगे वो उतना ही नंबर मिलेंगे, और ज़्यादा भी लिखेंगे तो तब ज़्यादा नंबर मिलने नहीं, उतना ही नंबर मिलेंगे। तो जीवन परिचय कितना लिखना है, कभी जीवन परिचय लेखक जीवन परिचय उसको हमने दे दिया है, बाकी किसी का लेखक जीवन परिचय कब जीवन परिचय को याद करना चाहते हैं तो पूरा आपको चैनल पर मिलेगी वीडियो, जाके देखिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, 500-600 वीडियो हो चुकी हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक चेक करिए। तो कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, जरूर कमेंट करिए, सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो शेयर लाइक भी करिए, कमेंट मस्ट है, ठीक है, जो हो सके आप कर सकते हैं अच्छा लगे तो। तो चलते हैं, इतना ही है, और बाकी सारी आपके इंग्लिश की पूरी क्लास हम यहाँ पर लगा चुके हैं, पूरा टेंस यूजेज जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और सारे यूजेज में माइट कैन कुड इट देयर जितनी भी यूजेज हैं, ओके। तो मैं संतोष कुमार पटेल लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए विदा, नमस्कार एंड